हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ध्रुव जोशी और आज का मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस का वीडियो है एक्ट 5.4.2 पे, जिस पे की बॉस दिख रही है हमें मॉर्निंग स्टार की। तो इसमें भी मैं अपना मोटा मोटा टीम सेम ही रखता हूं, या शायद इसमें कॉर्वस भी लेके जा सकते हैं क्योंकि टेक चैम्पियन शायद काफ़ी आते हैं इसमें। और ब्लीड इम्यून मेरे पास इसमें कोई है या ब्लीड इम्यून चैम्प रखना चाहिए आइडियली, बिकॉज मॉर्निंग स्टार ब्लीड देती है काफ़ी सारा। सो आई थिंक मैं सेंटिनल रख लेता हूँ एंड ब्लैक विडो की जगह आई कीप द स्पाइडर ग्वेन ओनली, और देखते हैं क्या हम ये बात कर पाते हैं कि नहीं। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, क्या क्या नोड्स होंगे उसके, अभी जाके चेक करते हैं। इट्स लोडिंग। ओके, तो अगर हम देखें 4 में है रिजिलियंस, आई थिंक दिस इज द ईजिएस्ट पाथ। फिर है पॉइजन एंड ब्लीड, बायोहैजर्ड होगा शायद, ये वो भी इजी होना चाहिए विद सेंटिनल एंड ब्लैक विडो। फिर है मैचोचिज्म जो मेरे को बहुत ही गंदा लगता है। फिर है रेज एंड लास्ट है पावर। ओके, सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज दैट आई विल गो फॉर रेजिलियंस। चलो उस तरफ चलते हैं फटाफट और रेजिलियंस वाला बात करते हैं गाइस। ओके, मेरा एनर्जी खत्म है एज यूजुअल। लेट्स गो टू पाथ ए विच इज रेजिलियंस, और इसमें पहली फाइट है आई थिंक आयरन मैन, फिर आयरन पेट्रियट, फिर लूक के जब दिख गए हैं हमें वो तीनों। पहली फाइट में नोड आता है रेजिस्टर, व्हेन स्ट्रक विद द एनर्जी और फिजिकल अटैक एक्टिवेट कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस बफ। ओके, और दूसरा है इनहेंस्ड आर्मर अप। ऐसे कोई खास नोड नहीं है गाइज, यू विल बी एबल टू डील विद इट। मैं लेके जाता हूँ ब्लैक विडो को क्योंकि उसका रीजन वीजन नलिफाई करने में हेल्प करेगी, लास्ट में रीजन करता है बहुत बड़ा ये। इसमें नलिफाई चैंप्स चलेंगे वैसे, लाइक सिम्बियोट सुप्रीम वो सारा साफ कर देता है, या डॉक्टर डूम भी दौड़ेगा इसके लिए। तो एक शानदार इंटरसेप्ट दिया और मैं अपना देने जा रहा हूँ स्पेशल 2, और मेरे को 18 चार्ज मिल गए और सारे उसके मैंने बफ्स हटा दिए गाइस। आ जाओ, पैरी दे दिया मैंने एंड आई विल गो फॉर अ स्पेशल 3 क्योंकि मेरे को स्पेशल 2 देने में रीजन भी मिलेगा ब्लैक विडो में। लेट्स जस्ट ट्राई टू गेट हिम डाउन एज मच एज वी कैन। 30% पे आ गया है आयरन मैन, स्पेशल 1 लोडेड होगा इसका, दे भी देगा शायद फटाफट से, दे नहीं रहा, दे दिया और मेरे को थोड़ा सा मार दिया, कोई नहीं हम रीजन करेंगे अभी। ये वाला पैर इवेड कर लिया मैंने। सारा रीजन कर रहा है बहुत। लेट्स गो फॉर आर स्पेशल 2, गेन एज मैनी चार्जेस एज वी कैन, और एक और रेगुलर हिट से मारा गया आयरन मैन ओजी, जो बहुत ही घटिया चैंपियन है, कुछ खास नहीं है उसमें। तो इस वाले के लिए अगर आपके पास डॉक्टर डूम है वो स्पेशल 1 से सारे उसके बफ नलिफाई कर देगा जो भी ये कमा रहे हैं एनर्जी या फिजिकल वाले। सो आई थिंक डॉक्टर डूम इज़ गोइंग टू वर्क वेल। सिम्बियोट सुप्रीम इज़ गोइंग टू वर्क रियली वेल, वो भी सारे बफ हटा देता है। या सो ओके, ब्लॉक पे लिया मैंने ये क्योंकि मैं पहले ही पीछे चले गया था। अब आता है हमारा स्पेशल 2, मैंने 20 चार्जेस कमा लिए इस पे, इसका स्पेशल अवॉइड करते हैं और इंटरसेप्ट से देते हैं स्पेशल 2 फिर से एंड लेट्स जस्ट गो रेगुलर नाउ। अब जो भी वो गेन करेगा मैं सारे उसके नलिफाई कर दूंगा ऑलमोस्ट।
का स्पेशल टू अनोइंग है, पीछे ही रहना, वरना अगर पड़ गया तो स्टन भी मिलता है इसमें जनरली। मेरा हेल्थ अब रिकवर होके 92% पे आ गया है गाइस, अच्छा वाला इवेट दिया मैंने, और आयरन पेट्रियट इज़ डाउन। तो दो फाइट हो चुकी हैं इस वाले पाथ में, चलते हैं तीसरी फाइट में जो कि है लूक केज की। सेम नोड है रेजिस्टर और आर्मर का, इसके लिए भी ब्लैक विडो लेके चलते हैं क्योंकि ये ब्लीड इम्यून भी है, सो आई विल कीप ऑन गेनिंग क्लियर वॉइंट चार्जेस। देख रहे हैं 6 क्लियर वॉइंट चार्ज आ गए, इसके सारे बफ हटा देंगे अब हम, और इसका स्पेशल इवेट करना आसान है, नॉट दैट टफ। स्पेशल टू दो अपना, हेल्थ रीजन करके ऑलमोस्ट 100% तक ले आओ, एंड ट्राई टू अवॉइड है स्पेशल वन और स्पेशल टू, बहुत आर ईजी, बस आपको बेट करना आना चाहिए। और बेट कैसे करते हैं कि उसको टैप करो और पीछे भागते रहो। ओके, इज नॉट अग्रीइंग टू गिव हिज स्पेशल टू, बट हम भी लगे रहेंगे, वी विल ऑल्सो रन बिहाइंड सो दैट ही डजंट डैमेज अस। आ गया फिर से मेरा खतरनाक वाला स्पेशल टू, जिसमें मैंने काफ़ी चार्जेस गेन कर लिए। अब मैं इसके हटाता हूँ बफ्स। ओके, वन मोर स्पेशल टू इज ऑन इट्स वे, एंड बूम, और इसने फिर से अपना स्पेशल वन दे दिया। हैवी देते हैं और स्पेशल वन इवेट करते हैं एंड रीजेन करते हैं। 100% पे आ गई है ब्लैक विडो, बहुत ही कमाल की चैंपियन है गाइस। अनदर स्पेशल टू, ताकि वो गेन ही ना करे कोई भी बफ, दैट्स द पर्पस ऑफ गेनिंग स्पेशल टू गाइस, क्योंकि उसमें एक नोड लगता है, ब्लैक विडो लगाती है स्पेशल टू के बाद बफ इम्यूनिटी का। जैसे अब आप देखेंगे जो भी वो बफ गेन कर रहा है वो नहीं कर पाएगा, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है ये वाला लूक केज, खुद ही अपने स्पेशल्स दिए जा रहा है। इंडेस्ट्रक्टिबल आ गया उसका, कोई नहीं, एंड अनदर स्पेशल टू, एंड बूम, 1% बचा है इसका, इज डाउन। क्लास डिसएडवांटेज के साथ ही ब्लैक विडो ने इसको ख़त्म कर दिया है। मेरे पास मेन उसकी फाइट के लिए ए पे ही जा रहा है डायरेक्टली ये। अब मेरे पास दो या तीन ऑप्शन हैं कहाँ जाऊँ। मेरे को ब्लैक विडो ये वाली गंदी लगती है क्योंकि ये पैरी नहीं लेती और इवेड भी बहुत करती है, और इसमें क्या नोड है, प्लेग्ड माइंड है, तो ये भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हुड में कुछ नहीं है, बस उसकी स्पेशल निकानी। ओके, सो आई थिंक इतना मुश्किल है नहीं ये मैचिज्म करना नहीं, सो वील गो फॉर हुड पाथ, और उस वाले पाथ में देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अगेन फिर से नोट्स देखो, ब्रेक थ्रू और स्टूपेफाई, तो अगर आपको ध्यान है तो इन केस आपको स्पेशल वन लग गया हुड का तो शॉक लगता है जिससे आप स्टन हो सकते हैं, तो बस कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप उसका स्पेशल मत खाएं। पैरी मीडियम लाइट मीडियम, पैरी मीडियम लाइट मीडियम, एक और पैरी दे मीडियम लाइट, स्मोल्डर चार्जेस आ गए मेरे पे, मीडियम लाइट मीडियम, लेट्स अवॉइड स्पेशल वन, और ही इज ऑलमोस्ट डेड, एंड मैं अपना स्पेशल वन देके ख़त्म करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा ओपी चैम्पियन है ह्यूमन टॉर्च, अगर आपको कभी मिले तो रैंक 5 करें सीधा, बिकॉज ही इज वर्थ इट। नेक्स्ट फाइट है ब्लड लेटिंग एंड इन्हांस्ड एबिलिटीज, तो आई थिंक कैप्टन अमेरिका सिर्फ स्पेशल टू में ही वो देता है, क्या बोलते हैं, ब्लीड डैमेज, वरना और कोई ब्लीड डैमेज है नहीं, तो कोशिश करें कि स्पेशल टू ब्लॉक पे ले लें एंड या नॉट गेट हिट बाय द स्पेशल टू बेसिकली। इसके लिए मैं लेकर आया हूँ अपना गार्डियन एंड कोशिश करते हैं कि इसको एक ही स्पेशल टू में ख़त्म कर दें। 4 फोर्स फील्ड आ गई है मेरे पे, इसका स्पेशल वन रेडी हो गया है,
कैप्टन अमेरिका वर्ल्ड वॉर टू का, पता नहीं है ऐसा गंदा सा चैंपियन बनाया क्यों है इसको, साले को सिक्स स्टार पूल में भी रखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई कबाम वांट्स टू अनॉय पीपल सो मच, कि एक तो था ही आपका कैप्टन अमेरिका, आपने एक और बना दिया जो बहुत ही बेकार है। एंड स्पेशल टू देते ही कैप्टन अमेरिका इज डाउन, माय गार्डियन इज एट 100%। सो बहुत ही इजी बात है गाइज ये, कुछ भी ऐसे मेरे को चैलेंजिंग नहीं लग रहा है इसमें। मूविंग ऑन, नेक्स्ट फाइट इज दैट ऑफ ग्वेनपूल, इसमें भी कोई ब्लीड ब्लूड वाला ही नोड होगा, ब्लीड वाला है तो इसका अगर एक भी आपको मुक्का पड़ा तो आप ख़त्म हो जाएंगे सीधी सी बात है, बिकॉज या शी गिव्स ब्लीड डैमेज बहुत ज़्यादा, हर दूसरे हिट तीसरे हिट में उसका ब्लीड लगता ही है अगर आपने यूज़ की है कभी। ग्वेनपूल शी इज़ अ गुड चैम्पियन दो, स्पेशल वन लोड हो चुका है उसका, लेट्स सी वेट इट, आ जा पुइंग, हेवी दे दिए बार बार, ऑल्दो ब्लैक विडो अभी ब्लीड स्टांस पे खड़ी है सो शी इज ब्लीड इम्यून, तो उससे मेरे को अभी कोई टेंशन नहीं है कि क्या कर सकती है। इसका स्पेशल इवेड करना बहुत ही आसान है, दो शॉट्स आते हैं और दोनों को एक एक सिंगल स्वाइप है एंड स्वाइप, सो शी इज नॉट दैट टफ गाइज। स्पेशल टू पे भेज दिया मैंने इसे, स्पेशल टू में ये बॉम्ब फेंकेगी आपकी तरफ, जैसे ही बॉम्ब आप पे आए आप इवेड कर सकते हैं, नॉट वेरी टफ एट ऑल। सो स्पाइडर ग्वेन इज ऑल्सो ऑलमोस्ट डेड एंड शी इज डेड, वेरी वेरी बेसिक वेरी सिंपल फाइट दिस वन। नेक्स्ट फाइट है एक और, शायद ये ब्लड लेटिंग ही है बंदा, ब्लड लेटिंग नोड है क्या ये सारे, हाँ इन्हेंस ब्लीड वाले ही नोड हैं सब इसमें। चलते हैं गार्डियन के साथ, कोशिश करते हैं एक स्पेशल टू में ख़त्म हो जाए, इसके दोनों ही स्पेशल इवेट करने बहुत आसान है गाइस, जो आपका मन हो इवेट करने का वो कर लीजिए, ऐसे बहुत मरी हुई हालत में घूम घूम के आता है आपको मरने के लिए तो वीक है, बस ध्यान रखे कि एक भी थप्पड़ ना पड़े, ओ शिट लग गया भाई लग गया, मैं आपको कह रहा था ध्यान रखे, मेरे को एक थप्पड़ लगा और मैं 55% हेल्थ पे आ गया, कोई नहीं इसको एक स्पेशल टू देते हैं और ये गेम समाप्त करते हैं ब्लैक पैंथर की। लग रहा है इस वाले पाथ में बहुत ज़्यादा फाइट्स हैं बट ऐसा कुछ मुश्किल भी नहीं है गाइस, इट सीम्स टू बी वेरी सिंपल, बस आई थिंक अल्ट्रॉन की मुश्किल फाइट है जिसके लिए मैं स्पाइडर ग्वेन लाया हुआ हूँ, और आप भी एक इवेड काउंटर अपने पास रखें। नेक्स्ट फाइट है एनर्जी रेजिस्टेंस वाली, तो मेरा गार्डियन इतना अच्छे से काम नहीं करेगा, आई टेक माई ब्लैक विडो क्लेयर वॉइंट जिसके साथ आजकल मुझे खेलने में बहुत मज़ा आता है गाइस। ओए, मार दिया साले ने, कोई नहीं ओके। अब देते हैं अपना स्पेशल टू और सब नलिफाई करते हैं इसके बफ, बूम टू पे भेज दिया मैंने ना चाहते हुए, मैं भूल ही गया कि इसका स्पेशल वन इवेट करते हैं, ब्लॉक पे लूँगा मैं और लास्ट के थोड़े बहुत हिट में इवेट कर सकता हूँ, आई डोंट हैव टू वरी क्योंकि मैं अभी हील भी कर रहा हूँ,
थंडर क्वैक लग गया मुझ पे जो हटता है पैरी करने पे जब वो स्टन होता है। अगर आपको नहीं पता थंडर क्वैक कैसे इवेट हटाते हैं, तो आपको पैरी करना होता है बस एक बार वेनम द डक को, सॉरी हावर्ड द डक को। ओके माय स्पेशल टू इज रेडी एंड आई विल गो फॉर इट। बूम। ओके दो हैवी देते हैं इसको कोने में। ऑलराइट थोड़ी हेल्थ खा गया है ये मेरी ब्लैक विडो की, पर कोई नहीं, वी विल गेट दैट बैक इन सम और द अदर फाइट, प्रॉबेबली अगेंस्ट मॉर्निंग स्टार जिसमें हमें को बहुत ज़्यादा चार्जेस मिलेंगे। सो या नेक्स्ट फाइट है गाइस वुल्वरीन की, तो इससे भी बच के रहना है कि इन्हेंस्ड ब्लीड का नोट है, अगर एक दो उसके थप्पड़ पड़ गए तो बहुत बुरी हालत हो सकती है। सो आई एम जस्ट गोइंग विद गार्डियन एंड या कोशिश है कि वन शॉट ही मारे स्पेशल टू देके। एंड माय स्पेशल वन इज लोडेड, अपनी फोर्स फील्ड बढ़ाते हैं थोड़ी सी, इसका स्पेशल वन इवेट करते हैं। टॉन्ट लगा हुआ है साले पे पर दे नहीं रहा। एक और स्पेशल वन फिर से दे दी। अब करते हैं बैक ड्राफ्ट, नहीं हुआ। एक दो तीन पीछे जाओ। एक ओए ये क्या हुआ, हैवी क्यों दे रहा है, बच गया, हैवी नहीं दी वरना मेरी एक फोर्स फील्ड भी यूज हो जाती। कोई नहीं ऐसे ही मर जाएगा स्पेशल टू से। पैरी लेते हैं एंड बूम ही शुड डाई। वेरी वेरी ओपी चैम्प, काफ़ी चैम्प से मेरे पास ओपी हैं, काफ़ी थोड़ी लंबी चलाते हैं फाइट। नेक्स्ट फाइट गाइस आती है अल्ट्रॉन की, जो इवेड करता है बहुत, तो इसके लिए आप या तो कॉर्विस ग्लेव की सिनर्जी ला सकते हैं प्रॉक्सिमा मिडनाइट के साथ, या कोई ऐसा चैंपियन जो इवेड नहीं करवाए। लिम्बर का नोड है इसमें। Each time the defender receives a stun debuff, they reduce by 20%. Okay, तो थोड़े बहुत स्लो debuffs चाहिए होंगे मुझे इस पर। ज़्यादा इसको पैरी करने की कोशिश नहीं करूँगा, शुरू में करूँगा। ऑलराइट अब करते हैं कोशिश की इंटरसेप्ट करें, पर पैरी ही हुआ। ऑलराइट अपना स्पेशल वन देते हैं, उसको उत्साहते हैं कि वो अपना स्पेशल दे। ओके मैंने अपना हैवी दे दिया उसे, लेट्स गिव हिम अ स्पेशल वन ताकि पावर कंट्रोल होए उसका। एक एक पैरी लेते हैं, मिल गई। ओए ये क्या हुआ, ओके ही कैन इवेड नाउ, सो लेट्स ट्राई टू गेट। ओ नो बच गई, ओ नो बहुत ही लिम्बर का ज़्यादा इफेक्ट है। आउच स्टन भी कर दिया, शुक्र है ब्लीड नहीं लगा मुझ पे। ओके पर 16% पे बचा है ये। चलो स्लो डाल दिया मैंने हैवी काउंटर से एंड अल्ट्रॉन इज डेड। थोड़ी सी ट्रिकी फाइट है गाइज, ज़्यादा पैरी होगा नहीं तो क्या कोशिश करें कि ब्लॉक हिट लें उससे, फिर वो आपको हैवी चार्ज करेगा तब आप उस पर काउंटर कर सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। कितने पाथ बचे हैं भाई। ओके ऑलराइट ओके एक और ये यूज करना पड़ेगा, एनर्जी की हमेशा दिक्कत रहती है गाइस। बहुत लंबा है, रेजिलियंस पे ही गया हूं मैं अभी। पहली फाइट है हील प्रिवेंशन, अग्रेसिव, द डिफेंडर इज मोर अग्रेसिव। पता नहीं कौन है इसमें, तो आई शुड एक बार स्पाइडर गवेन लेके चलते हैं, पता चल जाएगा कि कौन है।
साइंस में जनरली राइनो है। अच्छा मैं स्पाइडर क्वेन ले आया, स्लो डीबफ लग गया उस पे, तो वो अनस्टॉपेबल नहीं होता रहेगा। फिर से लगाते हैं, गिव हिम माय स्पेशल वन। ओए अनब्लॉकेबल हो गया, आउच। गलत मर गया गाइस, गलत मर गया। कोई नहीं, कोई फर्क नहीं, हम ह्यूमन टॉर्च लेके चलेंगे। बट इसके अनस्टॉपेबल अनब्लॉकेबल पे ध्यान देना पड़ेगा गाइस। यू हैव टू गो बैक जब ये अनब्लॉकेबल दिखाए। अनस्टॉपेबल पे आप पैरी ले सकते हो, अनब्लॉकेबल पे नहीं ले सकते, तो वो ध्यान रखना। इसका स्पेशल टू ज़्यादा एवेट करना इजी लगता है मुझे, तो स्पेशल टू पे भेज दिया ऐसे मैंने, और अब कोशिश यही है कि एवेट करें। ओ अनब्लॉकेबल, अपना स्पेशल टू देता हूँ। मीडियम लाइट मीडियम, मीडियम लाइट मीडियम, स्पेशल वन, एंड लेट्स इवेड हिज स्पेशल टू। कोने में करते हैं ऐसे। ओ नो अनब्लॉकेबल हो गया था, बट बच गया मैं इस वाली फाइट में। राइनो मुझे बहुत ही गंदा लगता है, इफ आई न्यू राइनो होता है यहाँ पे तो मैं आता भी नहीं। चलो कोई नहीं गाइज, मेरा थोड़ा सा ह्यूमन टॉर्च पिट गया। कोई नहीं, कोई फर्क नहीं, अलबत्ता इसको, इसकी जितनी हेल्थ है उसके साथ ही चलते हैं। नेक्स्ट फाइट है कोई मिस्टिक चैम्पियन की, जो है डॉक्टर स्ट्रेंज, जो शुड बी इजी फॉर ह्यूमन टॉर्च। मीडियम लाइट मीडियम, मीडियम लाइट मीडियम, लाइट मीडियम, ओके मीडियम लाइट ना, आ जाओ मीडियम लाइट ना, एंड बूम स्पेशल टू। मीडियम मीडियम, मीडियम लाइट मीडियम, एंड ही इज डेड। ओके दैट वॉजंट द हार्डेस्ट ऑफ द फाइट, इससे ज़्यादा हार्ड फाइट खेली थी हमने। अच्छा ये भी आ गया साला, एंटमैन तो कितना ही गंदा है यार। गार्डियन लेके जाते हैं, कोशिश करते हैं कि मर जाए यार ये आराम से। ग्लांसिंग, आई हेट हिज ग्लांसिंग। तो आपको पता चल गया है कि क्या पाथ है और कौन से काउंटर्स हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी टीम लेकर आइए गाइस। एंड या अच्छा गाइस, मेरा फोन आ गया था, उस चक्कर में मैं पीछे भाग रहा था और मेरे को फोन उठाना पड़ा था बिकॉज इट वाज इम्पोर्टेंट। अब मैंने पैनिक में स्पेशल वन अटैक दे दिया एंटमैन को, पर ठीक है देना भी था। बस इसका बस ये अनोइंग है, ग्लांसिंग बहुत अनोइंग है गाइस। हर चीज ही ग्लांस कर देता है ये, अगर इसने मेरा शॉक ग्लांस कर दिया देन मरेगा नहीं ये। ओके दैट वाज गुड, देते हैं, ग्लांस कर दिया साले ने, बट ठीक है काफी डैमेज आ गया। ऐसे ही मारते हैं अब इसे। स्पेशल वन, लेट्स गेन मोर एंड मोर ऑफ फोर्स फील्ड, इंटरसेप्ट, स्पेशल वन इवेट करो इसका। ओके चलो स्पेशल टू पे आ गया, पर आई थिंक अब मेरा स्पेशल टू इसे मार देगा, सो आई डोंट हैव टू वरी। ओके वो उसने अपना स्पेशल टू भी लॉन्च कर दिया ताकि मेरे को डैमेज दे पाए ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं अपना स्पेशल टू देता हूँ एंड ही शुड डाई।
कोई नहीं, मेरी थोड़ी हेल्थ कम हो गई है प्लेयर्स की अनफॉर्चुनेटली, बट आई थिंक बॉस के लिए आई हैव इनफ काउंटर्स जो डील कर लेंगी। लेट्स गो। आई होप सिर्फ बॉस ही बचाओ, एंड सिर्फ बॉस ही बची है इन द नेम ऑफ मॉर्निंग स्टार। लेट्स सी इसमें क्या खास नोट्स हैं। ओप्रेसिव कर्स है, व्हेन मॉर्निंग स्टार इज ब्लॉक्ड शी गेन सोल चार्ज, स्लाइट डिले बिटवीन ओप्रेसिव कर्स एक्टिवेशन, तो वो अपने चार्जेस गेन करती है जिससे उसका डैमेज बढ़ता है। नलिफाई एबिलिटी शैटर देयर टारगेट्स डीलिंग 1300 डायरेक्ट डैमेज फॉर ईच इफेक्ट नलिफाइड इन दिस वे। ओके, रिकवरी हीलिंग एंड जनरेशन एबिलिटीज रिकवर। ओके, अगर वो हील करेगी तो 150% मोर करेगी। हील ब्लॉक लगा रहेगा आपके ऊपर तो आप हील नहीं कर सकते, विल पावर विल नॉट वर्क। लेट्स टेक ह्यूमन टॉर्च इन दिस फाइट, दो लगा लेते हैं इस पे क्योंकि ब्लीड तो लगता ही है गाइस। सो इन केस यू डोंट नो, मॉर्निंग स्टार जो ड्यूप्ड होती है उसको मारने पे आपको ब्लीड डैमेज आता है, तो जितना मैं मार सकता हूँ ह्यूमन टॉर्च से प्री फाइट एबिलिटी में पहले मारते हैं, फिर हम अपने ब्लीड इम्यून जैम्स लेके चलेंगे। अच्छा, अभी लकीली मुझे बिल्कुल भी ब्लीड नहीं लगा। इस पे 7 स्टिंग लग चुके हैं, 50% पे आ गई वो, तो बहुत ही इजी फाइट है। ह्यूमन टॉर्च की प्री फाइट एबिलिटी के साथ कुछ भी मुश्किल नहीं है गाइस। ही कैन डिस्ट्रॉय टफेस्ट एंड द टफेस्ट ऑफ द कॉन्टेंट्स इन चुटकियों में, तो आपके पास 4 स्टार भी है तो वो भी बहुत जल्दी हरा देगा इस मॉर्निंग स्टार को। चलो गाइज, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया। इन केस यू लाइक डिट, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एवरीवेयर, व्हाट्सएप, लाइन ग्रुप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंस्टाग्राम। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक ध्रुव जोशी गेमिंग, यू कैन फॉलो मी ऑन लाइन ऐप ध्रुव जोशी 90, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आई ध्रुव जोशी आई, मेरा नेम है उसमें। आज के लिए बस इतना ही गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि 5.4.3 भी निपटा दें हम। ऑलराइट गाइज, सी यू एंड गुड नाइट।